दोनों के कंपैरिजन में अगर बोले तो फिर ये ज़्यादा बेटर है 14 प्लस। ये चीज़ जो है ना, ये वीडियो देखो, मतलब ये चीज़ देखो, अब ये पूरा पीछे है, इसको थोड़ा और, दोनों सेम ही मोबाइल है बस ओहो भाई ये पर्पल कलर, आहा बजट मैटर्स। दोस्तों एवरीवन, क्या हाल है सभी के, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपने सब कुछ देख लिया होगा, क्या क्या सीन होने वाला है, कौन कौन सा मोबाइल है, क्या क्या अपडेट होने वाला, थंबनेल देख के भी आपको बहुत कुछ मालूम हो गया। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 14 और 14 प्लस में और 13 और 14 के कंपैरिजन में बहुत अलग अलग चीज़ें, तो ज़्यादा अपन कैमरे के ऊपर फोकस करें तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्या क्या सीन होने वाले, कैसे कैसे करने वाले, वो सब आपको पता होगा। तो और एक चीज़ है, मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो, जितना हो सके अच्छे काम करो और पीस रखो, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जैसा भी रहेगा बने रहना और यार सब्सक्राइब कर दो यार, 1K जल्दी पॉसिबल है, सब्सक्राइब कर दो, लेट्स गो। आ गया सिटी मॉल के पार्किंग लॉट में हम और हमारे दोस्त सचिन दामोदर, लेट्स गो, जाते अभी आगे, देखते बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है दोस्त, सब मोबाइल वगैरह ए टू जेड पूरा चेक करेंगे, 14 प्लस जो भी अपने इसमें बैठे हैं बजट में वो हिसाब से देखते। तो भाई फाइनली क्रोमा के इसमें आ गए मॉल में, क्रोमा के शॉप में अभी आके 14 और जो भी आईफोन वगैरह का जो अलग अलग फ़ोन है उसके बारे में देखते क्या सीन है, अपडेट क्या है, आपको बता दो पूरी तरीके से। पर एक वन प्लस नॉट 2T है जो कि मेरा मोबाइल है, इसका भी प्राइस कुछ गिर गया है क्या आप पता नहीं, इसका कैमरा भी आप देख सकते हो जो मेरा वाला मोबाइल है, इसके अंदर ही 4K रिकॉर्डिंग तक है ऑप्शन, मतलब ऐसे टाइप 4K तक रिकॉर्ड हो सकते हैं। और फिर नॉट CE2 भी अवेलेबल है यहाँ पर, ये CE2 है, नॉट CE2 लाइट, इसके और इसके कंपैरिजन में मैं तो नॉट 2T के साथ जाने लूँगा, मतलब ज़्यादा बेटर है। 10 Pro भाई, इसका कैमरा देखना पीछे का, ओहो 67 का, कितना प्राइस रहा है इसका भी 67, क्या बात है। ओ 8K है क्या, कितना है 8K है भी इसमें, क्या बात है, नाइस। इसके और भी फीचर्स है क्या, नाइट मोड है, कैमरा एंगल है, पोर्ट्रेट भी अच्छा है इसका, पोर्ट्रेट में ज़्यादा काम किया है लोगों ने। ये भी सही है मोबाइल, नाइस। ये भी डिस्काउंट के साथ आपको चाहिए तो मिल जाएगा, मतलब HDFC का 4000 के हिसाब से। ये कौन सा है, वन प्लस 11R, ये हेजल ब्लेड है क्या, अरे नहीं ये तो नया वाला लॉन्च है, ओहो इसका भी क्लैरिटी अच्छा है, नाइस यार, डायरेक्ट क्लोज करके भी इस पाएगा क्लोजिंग पे, ये भी अच्छा फ़ोन है। वन प्लस में ये सब अपडेट है, 11R 56 99 900, मतलब 39 99, इसके अंदर स्टोरेज का डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों सेम ही मोबाइल है, बस इतना है कि ये शायद से स्टोरेज में भी ज़्यादा, और इसमें 8K तक रिकॉर्डिंग है, इसमें 4K, ये जो नया वाला मोबाइल है, ये ज़्यादा बेटर है, नाइस। बाबा बाबा आईफोन अलग ही भाई, ये तो निकल ही नहीं रहे, लो निकालने नहीं दे रहे, औकात में रहो, काहे बे, ओ शिट, ये कौन सा 13 आईफोन, ये कौन सा वाला है,
कौन सा ये आईफोन 14 प्लस। अच्छा इसका और इसका मतलब देख साइज, ये इतना साइज और ये इतना साइज है ना। सही है रे, ये अच्छा लग रहा है, है ना। हार्ड लग रहा है मतलब हाथ में फील ही अलग दे रहा है। और ये 14 प्रो ये उससे ऐसा जूम है, ठीक है। ये देख और भाई सिनेमैटिक अगर ये आईफोन कोई लेते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहा है, देखना समझ रहे गेहूं टाक ताबड़ तो गेहूं टाक स्लो मोशन भी है, स्लो मोशन भी है यहाँ पे ले, यहाँ पे ले। और इतना क्लोज मेरे, इतना क्लोज टाइम स्लैब है सिनेमैटिक में, मतलब ये जो 4K ना 4K भी 60 FPS है। ओ शिट, ये देख अब फोटोज पे देखते हैं। क्या कहना चाहोगे? वैसा है तो भाई क्या कुछ नहीं है। ओके। 3 कैमरे का ही खाली 140,000, टू मच एक्सपेंसिव। दोनों के कंपैरिजन में अगर बोले तो फिर ये ज़्यादा बेटर है, और इसका प्राइस भी उस 1.5 लाख तक है। ये कौन सा है? ये 14 प्रो है। और वो? और ये 14 प्रो मैक्स है। ओके। दोनों में सेम एजेस मिल जाते हैं आपको, ये देखिए ये इधर भी है और सेम है, बस उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है ये तो मतलब बड़ा है, और साइड जो देता है ना कि साइड में अब इसमें और इसमें फ़र्क है। और यार इसका प्राइस थोड़ा कम रहता ना तो शायद से ले भी सकते थे शायद से, पर 130 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया यार। पर हम लेंगे यही वाला लेंगे ना, वाला भी दिखाते आप लोग को एक मिनट। अब देखो अब ये आता है 14 प्लस में जाके अब सेम तुम्हारे को सिनेमैटिक एच डी आर 4K 30 FPS मतलब इसमें आ जाएगा, तो इसमें भी काम अपना चल जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये इसमें भी बहुत शॉर्ट होते हैं। अभी एक वीडियो बनाया था भाई को, वो देखो अब ये वीडियो देखो, मतलब ये चीज़ देखो। डिलीट कर दे चुकी है। अरे कुछ नहीं, देख ना बोले फ्रंट कैमरा भाई बबली एड भाई, पर एक फर्क देगा इसमें जो सिम स्लॉट है ना ये इधर दिया है, बाकी जो ग्लोबल ऑर्डर है तो इसमें नहीं देता सिम स्लॉट। फर्क तो है रे भाई, पर इसमें और इसमें लेने में मतलब थोड़ा बहुत। और अपना एक खाली 13, सिर्फ 13, ना प्लस ना कुछ, सिर्फ 13। ये भी अच्छा है, 13 में 4K मोड है और एक्शन मोड इसमें और इसमें तीनों मतलब चारों में एक्शन मोड है। 13 में एक्शन मोड है? हाँ 13 नहीं सॉरी 14 में, वही 14. तो बोला अबे साले जो 14 में, ये 14 में एक्शन मोड आपको मिल जाएगा, उस ये एक्शन मोड है ऑन है अभी इसमें से, ये एक्शन मोड है अभी जैसे ऐसा भाग भाग के भी या फिर ऐसा ऐसा करके भी ये स्टेबल रहेगा, मतलब एक साइड से कैमरा हिलेगा ना पूरा स्टेबल रहेगा। 14 भी अच्छा है और 13 भी कर ही रखा है, 13 में ये कलर बहुत कलर मस्त लग रहा है। साइड्स पे देखो मतलब ये आपको दिख जाएगा कि ये जो कलर दिख रहा है ना ये बहुत बेस्ट कलर है 13 के। अब चारों देख लीजिए, ये भी चेक कर लेते हैं सिनेमैटिक
सिनेमैटिक का ऑप्शन ही नहीं है जो 4K 14 और इसमें ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे? प्लस डन मतलब जैसे हिसाब से चाहिए वही हिसाब से तुम वो कर सकते हो, हर तरीके से फीचर है। ये 13 का तो हो गया, 14 प्लस 14 प्रो 14 प्रो मैक्स, तो अभी देखते क्या सीन होने वाला है, प्राइसिंग में बातचीत करते हैं अपन। इसमें ये 14 प्लस में 80,900 उसका प्राइस, और उसमें अगर MRP वगैरह लगा के तो HDFC का जो 4,000 डिस्काउंट है ये सब में मिल जाएगा आपको, और जो प्रो है प्रो मैक्स में भी आपको मतलब है ऑप्शन है एक्सचेंज बोनस, मतलब जो मोबाइल एक्सचेंज करते हो उसका बोनस है। वाइट कलर में स्टार लाइट में नहीं है, और इसका ही प्राइस मतलब अभी कितना चल रहा है HDFC कार्ड पे 80,900। ओके तो आप ये अगर कैश करोगे तो अच्छा HDFC कर रहे हो तो हो जाएगा, HDFC मतलब EMI करना ही पड़ेगा, डेबिट कार्ड में EMI करना पड़ेगा, क्रेडिट अच्छा डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पे भी हो सकता है। अच्छा तो आप ये बोल रहे हो कि मतलब 14 प्रो से बेटर वो ले सकते हो आप, उसका ज़्यादा सेल भी है, मतलब आप ये बोल रहे हो सही है, मतलब अभी जो हिसाब से ये बता रहे कि मतलब सेल वगैरह इसका ज़्यादा है, 14 प्रो का इतना नहीं है, तो ये भी अपने बजट में बैठ सकते, क्या बोलता? यूज़ करके देखा कैसा लगा? मस्त लगा, हाँ मतलब दोनों के मतलब ठीक है, 14 प्लस फिर 14 प्रो मैक्स 14 प्रो पर मेरे को तो इसका बॉडी और ये जो साइड का लग रहा है ना, ओहो भाई मतलब ख़त्म है भाई, इंटरेस्टिंग ख़त्म है, क्या बोलता हूँ, मतलब ये देखना यार, ये चीज़ देख बे भाई, शिट बे। 14 प्रो मैक्स उठाए नहीं अपने हाथ में, क्या उठाए? ओहो भाई ये पर्पल कलर, आहा बहुत मिस कर रहा था रे, ये क्या बात है यार, इसका तो अलग ही रुआ मेरे बजट मैटर्स कोई नहीं देखते क्या सीन है। कैमरा तू कर उधर साइड में दिखा, उधर साइड में दिखा, इसमें इस बगैर पोर्ट्रेट में अलग अलग ट्री पे उसको फोल्ड कर दे, ऐसे फोल्ड कर दे, ऐसे फोल्ड कर दे, ये देख ये देख यार ट्री पे भाई, और ये और सैमसंग क्या बे, मतलब कुछ अलग ही बचता सैमसंग, उधर भी रखे हैं एस की अल्ट्रा कौन सा ही है, मतलब S22 पर सेम है उसका पैटर्न ज़्यादा सेम है, बता कैमरे भी ज़्यादा काम किया है इसमें भी, ठीक है ना, ये कौन सा है 23 पर इसका इमेज भी सही है, मेरा सैमसंग का था वैसे ही था सेम आई तरह इसके एयरपोर्ट सकते हैं। इसका क्या प्राइस है S23 का? 74,000। ओ भाई अगर ये लेने का चाह रहे हो तो भाई ये भी बेस्ट है सैमसंग में, बाकी आईफोन हो तो आपको पूरा दिखा दिया प्राइस, इसका पोर्ट्रेट देख इतना महंगा है पूछना पड़ेगा मेरे, एक सेम देख सेम ऑप्शन आईफोन में जो था, समझ रहे? 74 ज़्यादा हो गए रे भाई, पर ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला फ़ोन। अब ये भाई जो सैमसंग में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S23, ठीक है, इसकी ये पेंसिल मतलब नॉर्मल यूज़ करने के लिए तो सबसे पहले जाते हैं अपने कैमरे पे, कैमरा फ्रंट से यूज है, इसको बैक कैमरा ऑन, ये पूरा पीछे, ठीक है, अब ये पूरा पीछे
इसको थोड़ा और, फिर थोड़ा और, जो ये ना इस पर फोकस करता है, ठीक है, डायरेक्ट 10। अब ये रहो, ये इतना जा रहा है, मतलब इससे और जा सकता है डायरेक्ट 20 पे। अब वो साइड में देखिए, मतलब किधर भी फोटोज भी देख रहे हैं, फोटोज का ट्राई कैमरा तो है, बड़ा कैमरा तो बहुत है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, इतना भी बहुत ज़्यादा हो। पोर्ट्रेट सेम ऑप्शन, जितना एडजस्ट कर सकता उतना। इसको भी से सही है, बेस्ट है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा है, और इतने प्राइस में शायद से पब्लिक आईफोन ही ज़्यादा लेना प्रीफर करेगी। दी बॉडी बोलेगी भाई इस पर क्यों ना जाए, तो मेरे हिसाब से तो नहीं भाई, बहुत ज़्यादा प्राइस है। चलो लेट्स गो, हो गया घूम फिर के भाई, हो गया मोबाइल वगैरह देख लिए, ज़्यादा पसंद तो आया भाई 14 प्रो। तो वैसे कि मतलब बुक वगैरह तो करने का सीन है, पर थोड़ा एक दो टाइम लगे, पर हम लोग ने 14 प्लस के लिए इंक्वायरी निकाल के हो गया, तो हम लोग ने बुक कर भी दिया, मतलब थोड़ा उन लोगों को पे करके ऐसा बोल दें कि हम लोग को डिलीवरी ये टाइम तक चाहिए, तो 14 प्लस की डिलीवरी हो जाएगी। अगर दूसरा ब्लॉग देखना है 14 प्लस का, तो दूसरा ब्लॉग जल्दी से जल्दी लेकर आओ जब उसकी डिलीवरी रिसीव होगी, तो भी ब्लॉग देखना मत भूलना। तो आपको कैसा लगा पूरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और क्या क्या आपको नहीं अच्छा लगा, क्या क्या और जानना, तो मुझे कॉमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा अच्छे से डिटेल दूँ, ठीक है, लेट्स गो।